हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि चाइना द्वारा इंडियन ओशन में अपने कदम जमाने का कोशिशें किया जा रहा है, पर हाल ही में चाइनीज मीडिया में कुछ रिपोर्ट का खुलासा किया गया है जहां पे बताया गया है कि इंडियन ओशन में चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा इंडिया और इसराइल द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल हो सकता है। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्टों द्वारा सीसीटीवी मतलब चाइनीज टीवी में ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम में बयान देते हुए बताया गया है कि इंडिया और इसराइल के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है जो चाइनीज नेवी का फायर पावर को न्यूट्रलाइज कर सकता है और चाइनीज नेवी का इंडियन ओशन के अंदर ऑपरेशनों को ध्वस्त कर सकता है। इसराइल के IAI और इंडिया के DRDO द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ ये एक एडवांस तरीन सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे खास करके चाइनीज सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। चाइनीज एक्सपर्टों के मुताबिक इन मिसाइलों को चाइना के सबसोनिक एंटी शिप लैंड क्रूज मिसाइल को काउंटर करने के लिए इजरायली एक्सपर्ट की मदद से और इंडिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए डिजाइन किया गया है और इसराइल का यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी है क्योंकि 2006 में इजरायली नेवी के जहाज हनित के ऊपर एक मिसाइल अटैक हुआ था जहाँ पे इसराइल का ये जहाज लेबनान कोस्ट के नजदीक ऑपरेट कर रहा था। उस समय इसराइल के जहाज के ऊपर चाइना के द्वारा बनाया हुआ C-802 एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल द्वारा हमला किया गया था और ये हमला इसराइल अपने दक्षता और मिसाइलों द्वारा नाकामयाब करने में सक्षम रहा। इन मिसाइलों को चाइना द्वारा ईरान को सप्लाई किया गया था लेकिन ईरान के तरफ से इन मिसाइलों को स्मगल करते हुए इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भेज दिया गया था। और ऐसे ही सेम तरीके का मिसाइल इंडिया के लिए भी खतरा बन सकता है क्योंकि इस मिसाइलों को चाइनीज नेवी के जहाजों द्वारा इस्तेमाल करने के अलावा चाइना इसे इंडिया के सबसे बड़ा शत्रु पाकिस्तान को भी सप्लाई किया है। और दोस्तों, सेम तरीके के खतरे को देखते हुए इसराइल और इंडिया ने ज्वाइंटली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप किया है जिसे बराक 8 या फिर LRSAM के नाम से भी जाना जाता है। LRSAM एक लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें कई सारा फीचर्स है। इन मिसाइलों के पास लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन का कैपेबिलिटी है, साथ ही साथ मिसाइल में टू वे डाटा लिंक का भी इस्तेमाल किया गया है जिसमें GPS, एस बैंड, रडार सिग्नलों को यूज किया जाता है। जबकि इसके अलावा ये एक एक्टिव रडार सीकिंग मिसाइल है जो अपने टारगेटों को खुद ढूंढ के ही टारगेटों को ध्वस्त कर सकता है। साथ ही साथ 360 डिग्री कवरेज मतलब मिसाइलों को मल्टी डायरेक्शन में डिप्लॉय करने का कोई जरूरत नहीं है। मिसाइलों को कम जगह में भी लॉन्च किया जाना भी संभव है क्योंकि मिसाइलों को वर्टिकल लॉन्चिंग द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे खास बात, मिसाइल साइमल्टेनियसली एक से अधिक टारगेटों को एंगेज और ध्वस्त कर सकता है। एक्सपर्टों के मुताबिक इन मिसाइलों को काफी ज्यादा एक्यूरेट मिसाइल माना जाता है, साथ ही साथ ये एक हाई क्वालिटी का रियल टाइम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके काम करने वाला मिसाइल है। मिसाइलों में इतना क्षमता है कि ये लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले मिसाइल और एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट करके ध्वस्त कर सकता है चाहे वो किसी भी वेदर में हो। मतलब खराब से खराब वेदर कंडीशन में मिसाइलों को इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही साथ ऐसे कंडीशनों में भी ये स्टेल्थ मिसाइल और एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करके उसे एंगेज कर सकता है। इसके अलावा मिसाइलों में डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडारों का इस्तेमाल किया गया है जो आने वाले समय में फ्यूचर इक्विपमेंटों के साथ भी आसानी से काम कर पाएगा। इन मिसाइलों को दिन और रात दोनों कंडीशन में ही चाहे बारिश हो या बहुत ज्यादा धुंध हो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ मिसाइलों को रियल टाइम सिचुएशन में ऑपरेशन के लिए अलग अलग वेदर कंडीशन और विजिबिलिटी के साथ भी परीक्षण किया जा चुका है। इन मिसाइलों के पास शॉर्ट रिएक्शन टाइम मतलब जल्द से जल्द फायर होकर टारगेट को एंगेज करने का क्षमता है और 360 डिग्री में ये मिसाइल ऑपरेट कर सकता है बोल के किसी भी लॉन्चर में किसी भी पोजिशन में से मिसाइल को लॉन्च करने पर भी ये किसी भी डायरेक्शन के टारगेट को हिट कर सकता है। मिसाइल और मिसाइल बैटरियों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एडवांस तरीन ब्रॉडबैंड सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है जिसके मदद से इन मिसाइलों को दूसरे जहाज से भी कमांड देके लॉन्च किया जा सकता है। और इन मिसाइलों का सबसे खास बात यह है कि ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होने के बावजूद शॉर्ट और मीडियम रेंज के टारगेटों को भी ये डिटेक्ट करके ध्वस्त कर सकता है। मतलब एक साथ ऐसे मिसाइल मिलके एक कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस कवरेज को बनाता है जिसे भेद पाना चाइनीज मिसाइलों के लिए नामुमकिन है। और दोस्तों, यही चीज चाइनीज एक्सपर्टों को सता रहा है कि आने वाले समय में अगर चाइना इंडियन ओशन में ऑपरेट करेगा और इंडिया के साथ कोई झड़प होता है तो चाइनीज मिसाइल और चाइनीज एंटी शिप क्रूज मिसाइल इंडियन नेवी के जहाजों के लिए बेकार बन जाएगा क्योंकि इंडियन नेवी के जहाजों को इससे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जबकि चाइना के मन में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके भी एक बहुत बड़ा भय है। हाल ही में चाइना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके भी एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है और अगर आपको जानना है कि चाइना क्यों ब्रह्मोस मिसाइलों से इतना डरता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोगों के कमेंट के बेस पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना क्यों ब्रह्मोस मिसाइलों से इतना ज्यादा डरता है। तो
दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबके बटन के सामने बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।